हेलो फूडी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी नान, वो भी बिना तंदूर के यूज किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तंदूरी नान बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले लेंगे 2 कप मैदा। और इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच ऑयल। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप दही। अब अच्छी तरह से इसमें दही को मिला लेते हैं। मैंने यहाँ पर दही और बेकिंग सोडा का यूज किया है आटे को फर्मेंट करने के लिए। आप चाहें तो ईस्ट भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए दही मिक्स हो चुका है। अब पानी से इसको घोट लेंगे। मैंने यहाँ पे हल्का गर्म पानी यूज किया है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। नान में हम काफी सारे वेरिएशन दे सकते हैं, काफी सारे फ्लेवर ऐड कर सकते हैं उसमें, जैसे कोरिएंडर, मिंट, पनीर, गार्लिक। आपको कौन से फ्लेवर का नान पसंद है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरा आटा गुद चुका है, डो तैयार हो गया है मेरा। ये यहाँ पे करीब मेरा 1/4 कप पानी यूज आया है, तो सॉफ्ट आटा ये होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा ऑयल इस पर स्प्रेड कर देती हूँ और लगभग 1/2 घंटा इसको रेस्ट के लिए रख देते हैं, जिससे कि हमारा जो डो है वो सेट हो जाएगा। आधा घंटा हो चुका है, अच्छा सॉफ्ट डो रेडी हो गया है। इसको थोड़ा सा और गूंथ लेते हैं। इस डो से करीब 6 से 7 नान बनेंगे। तो चलिए अब नान बनाने के लिए इसमें से एक लोई ले लेते हैं। हम नान को गोल शेप में भी बेल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना है, तो हम यहाँ पर ओवल शेप में बनाएंगे। मैंने नान बेल लिया है। अब इसको थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए नान में मैं यहाँ यूज कर रही हूँ अनियन सीड्स, कलौंजी, थोड़ा कोरिएंडर, बारीक कटा हुआ कोरिएंडर। इसको थोड़ा बेलन से अच्छे तरह से इसको चिपका देंगे। अब इसको पलट लेते हैं और इस पे डैब डैब करके पानी लगाएंगे, जिससे क्या होगा ये तवे पे अच्छी तरह से चिपक जाएगा और ये तंदूरी इफेक्ट देगा। मैंने पहले ही तवा गरम कर लिया है। अब इसको जहाँ पानी लगाया था उधर से इस तवे पर रख देंगे। थोड़ा सा जब बबल आने लगे, देखिए बबल आ चुका है इसमें, तो इसको तवे को उल्टा करके गैस पे सेक लेंगे चारों तरफ से।
देखिए हमारा नान सिक चुका है अच्छी तरह से, पीछे से भी देखो बहुत अच्छे से सिक गया है, ये लग रहा है ना तंदूर में सिका हुआ। हम इस पर अच्छी तरह से बटर लगा लेंगे। देखिए हमारी नान तैयार हो गई है, आप इसको गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए अपनी किसी भी फेवरेट सब्जी के साथ, और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। हिट द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।